बर्बादी नहीं करूँगा एवं दूसरों को भी पानी को बर्बाद करने से रोकूंगा। घर परिवार और दोस्तों को पानी और पानी के बर्बादी होने वाले नुकसान से जागरूक करेंगे। नहाने में पानी का कम प्रयोग करेंगे। गाड़ी की सफाई के लिए कम पानी का प्रयोग करेंगे। घर की सफाई साफ सफाई टंकी को खुला न छोड़ें। अपने आसपास या घर भैया भैया हाथ उठाओ हाथ हाथ आ गया बंद बंद हाथ हटाओ भाई। सीमेंट कराने से बचें। आज पानी बचाओ अभियान की शुरुआत जन विकास वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष विपिन सक्सेना के नेतृत्व में निरंतर भूगर्भ से पानी कम हो रहा है। आने वाली समस्याओं को दिक्कत हो रही है। नलों पानी कम आ रहा है और हम ये चाहते हैं कि सब हर व्यक्ति पानी कम यूज करे और पानी बचाए। जागरूक करने के लिए ये हमने आज से सभी वार्डों में जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। इसमें डोर टू डोर कंप्लेट बांटे और उसके बाद शपथ दिलाएंगे। ये शुभम द्विवेदी बताइए क्या कार्यक्रम कार्यक्रम आज हमारे विद्यालय GSM इंटर कॉलेज में जन विकास वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा पानी के महत्व को समझें, आने वाली पीढ़ी को बचाएं। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। और मैं सभी शहरवासियों से, अपने विद्यालय के अध्यापक से और हमारे जो विद्यालय के स्टूडेंट हैं, सभी से कहना चाहूँगा कि जल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण अंग है। इसको अगर किसी तरह बर्बाद करते हैं तो आने वाले कुछ वर्षों में अपनी नई पीढ़ी के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न करने जा रहे हैं। अतः पानी को अधिक से अधिक बचाएं और दूसरों को पानी बचाने के लिए जागरूक करें। आज से शपथ लें कि पानी को फालतू बर्बाद नहीं करेंगे, जरूरत के हिसाब से पानी का उपयोग करेंगे। अगर एक व्यक्ति अपने द्वारा कुछ लीटर पानी की बचत करता है तो वह व्यक्ति एक जीवन दान देने का बराबर होगा। पानी की बचत कैसे करें? नहाने में कम पानी का प्रयोग करें, गाड़ी की सफाई के लिए कम पानी का प्रयोग करें, घर की साफ सफाई में कम पानी का प्रयोग करें, टंकी को खुला ना छोड़ें, अपने आसपास या घर में कच्ची जमीन छोड़ें, घर के खुले स्थान में टाइल्स और सीमेंट कराने से बचें। ठीक, अमन आ गया। क्या नाम आपका? अमन सक्सेना, प्रबंधक जन विकास वेलफेयर सोसाइटी। आज से हमने 8 दिसंबर से हमने आज जन पानी बचाओ अभियान का प्रारंभ करा है। ये प्रत्येक दिन हम समस्त वार्डों में करेंगे। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना, पानी की बचत, जिससे लोग पानी की बचत करें। दूसरा, अगर इस समय हम पानी की बचत नहीं करते, पानी को बर्बाद यूं ही करते हैं, वेस्ट करते हैं, तो आने वाले समय में बहुत गंभीर समस्या को जन्म दे देंगे, जो देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए घातक साबित होगा। साथ ही हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी करा है, जिसके द्वारा शहर में कहीं भी अगर पानी की बर्बादी हो रही, किसी भी मोहल्ले या किसी भी गली में या कहीं पाइपलाइन फटी दिख रही है, तो उस पर आप हम लोग को संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हमारा मोबाइल नंबर दे रखा है हमने कुछ बैनर में और हमारे पंपलेटों में है नंबर।